एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। ये फिफ्थ सेमेस्टर में, बी फार्म के फिफ्थ सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट है ज्यूरिस का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो एक्ट था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये था क्या और ये कब पास हुआ था, कब रूल किया गया था? तो ये एक्ट जो था वो 1940 में 10 अप्रैल 1940 को पास हुआ था, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एंड इट्स रूल 1945, और ये रूल में आया था 1945 में। ठीक है, दिस एक्ट ये किस लिए था? दिस एक्ट इज़ टू मेंटेन और रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। कि कैसे ड्रग सेल आउट होगा, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस एक्ट के अंदर था कि कैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। ये जो एक्ट था, दिस एक्ट ऑल्सो वेरीफाइड दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड ओनली बाय लाइसेंसिंग एंड ऑल्सो क्वालिफाइड पर्सन। इस एक्ट में हमने ये तो जानेंगे ही जानेंगे कि किस तरीके से ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है, किस तरीके से इम्पोर्ट हो रहा है और किस तरीके से इसको सेल आउट किया जा रहा है। और इस एक्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि कौन हैं जो ड्रग और कॉस्मेटिक को सेल आउट कर सकते हैं। जो भी इन्हें सोल्ड करेगा वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए इस सब का सोल्ड आउट का। ठीक है, एंड क्वालिफाइड पर्सन ही इसको सोल्ड आउट करेगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मेंटेन करता था हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अवॉइडिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। ये मेडिकल ट्रीटमेंट के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता था और सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स को अवॉइड करता था। इसमें क्या था, फॉर कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। इस एक्ट के अंदर यूनानी ड्रग, सिद्धा ड्रग एंड आयुर्वेदा ड्रग कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे सेल आउट होगा, सब इसके अंदर था।